यूरोपा इलेक्ट्रॉनिक लॉ कैम 1 मॉडल के फिटमेंट वीडियो में आपका स्वागत है। बॉक्स के अंदर हम यूरोपा एम 1 लॉक और उसके एक्सेसरीज को देख सकते हैं। ये हैं यूरोपा इलेक्ट्रॉनिक लॉक फिटमेंट के लिए आवश्यक एक्सेसरीज। ये मार्कर हैं जो यूरोपा इलेक्ट्रॉनिक लॉक को दरवाजे पर लगाने के लिए उपयुक्त है। अब हम दरवाजे के फ्रंट पैनल पर मार्कर रखने जा रहे हैं। ये कंफर्म करें कि मार्कर दरवाजे के हाइट के सेंटर में हो। हमें दरवाजे के दोनों फ्रंट और साइड वाले हिस्से पर डॉट पंच से मार्कर के अनुसार प्रत्येक होल के लिए सेंटर पॉइंट को मार्क करना होगा। अब हम मार्क के अनुसार दरवाजे पर ड्रिल करने जा रहे हैं, जिसके आकार और साइज मार्कर पर है। ड्रिलिंग के लिए हमें 8 मिलीमीटर, 20 मिलीमीटर, 32 मिलीमीटर, 45 मिलीमीटर ड्रिल बिट की आवश्यकता होती है। ड्रिलिंग के बाद हम दरवाजे के थिकनेस वाली साइड पर मोर्टिसिंग प्रोसेस यानी लॉक बॉडी अंदर बिठाने के लिए कैविटी बनाने जा रहे हैं। यह इलेक्ट्रॉनिक लॉक की मोटाइज लॉक बॉडी है। 3 सॉलिड डेड बोल्ट और 1 लैच बोल्ट है। इस लैच बोल्ट की विशेषता यह है कि यह रोटेटेबल टाइप का है। यह आपके दरवाजे के प्रकार, बाईं तरफ खुलने वाला या दाईं तरफ खुलने वाला के अनुसार घुमाया जा सकता है। इसे कैसे घुमाया जाता है? यह एक लॉकिंग पिन है जिसे हम इस तरह से घुमा सकते हैं। अब चलिए अपनी उंगलियों के साथ लैच बोल्ट को अंदर धकेले और बस इसे घुमाएं और छोड़ दें। अब हम दरवाजे के साइड पर बनाई हुई कैविटी में मोटाइज लॉक बॉडी को फिक्स करने जा रहे हैं। अब इलेक्ट्रॉनिक स्क्रू ड्राइवर की सहायता से मोटाइज लॉक बॉडी को उसके 2 स्क्रूज के साथ दरवाजे में फिट करें। ये हैं यूरोपा इलेक्ट्रॉनिक लॉक के 2 पैनल। ये दरवाजे का बाहरी पैनल है जिसमें टच स्क्रीन डिस्प्ले, RFID कार्ड की सुविधा, हैंडल पर फिंगरप्रिंट सेंसर और मैकेनिकल की खोलने की सुविधा है। पीछे की ओर हम वायर कनेक्टर और हैंडल एडजस्ट मैकेनिज्म देख सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति बाहर से लॉक तोड़ने का प्रयास करता है तो उस समय एंटी प्राय थेफ्ट अलार्म सक्रिय हो जाएगा। लॉक का हैंडल आपके दरवाजे के बाईं हाथ, दाईं हाथ के अनुसार एडजस्ट होता है। इसके लिए हमें हैंडल को इस तरह झुकाना होगा। अब आप यहां एक स्क्रू देख सकते हैं। अब इलेक्ट्रॉनिक स्क्रू ड्राइवर की सहायता से स्क्रू को ढीला करें इस तरह से।
अब हैंडल को उल्टी दिशा में घुमाएं और फिर इस तरह से झुकाएं और स्क्रू करें। अब हम अपने दोनों पैनल के लिए रबर सीलर लगाने जा रहे हैं, जो पैनल को धूल और पानी के प्रवेश से सुरक्षित रखने में मदद करती है। ये रबर सीलर पर लॉकिंग रबर पिंस को इन पैनल के पीछे के छोटे छिद्रों में डाला जाता है, इस तरह से। अब स्क्वायर रॉड के कैविटी पर दिए गए एरो मार्क को पैनल के एरो मार्क से अलाइन करें। अब हम बाहरी पैनल पर दो स्क्रू एक्सटेंडर और स्क्वायर रॉड को इंस्टॉल करने जा रहे हैं। एक स्क्रू एक्सटेंडर एडजस्टेबल है। स्क्वायर रॉड इंस्टॉल करने जा रहे हैं। इसके लिए हमें इस स्क्वायर रॉड को इस कैविटी में इस तरह से डालना होगा। और इसे एक लॉकिंग पिन के साथ लॉक करना होगा। और इसके दोनों पैरों को इस तरह से मोड़ना होगा। अब हम दोनों पैनल को दरवाजे पर इंस्टॉल करने जा रहे हैं। अब इस तरह से वायर को दरवाजे की कैविटी में डालें और इसे दरवाजे के दूसरे साइड तक फैलाएं। अब बाहरी पैनल को दरवाजे के सामने की ओर रखें इस तरह। अब इनसाइड पैनल को लें और उसके साइड कवर को इस तरह से हटाएं। अब बाहरी पैनल और इनसाइड पैनल के बीच वायर कनेक्शन इस तरह करें।
इनसाइड पैनल को दरवाजे के सामने की ओर इस तरह रखें। इसके बाद स्क्वायर रॉड को कैविटी में इस तरह रखें। अब इन स्क्रूज की सहायता से दोनों पैनलों को फिट करें। जहां लंबा स्क्रू इनसाइड पैनल के नीचे की ओर जाता है, और छोटा स्क्रू ऊपर की ओर जाता है। सुनिश्चित करें कि दोनों पैनलों को दरवाजे पर सही ढंग से फिट किया गया है। अब इलेक्ट्रॉनिक स्क्रू ड्राइवर की सहायता से स्क्रूज फिट करें। अब 4 एल्कलाइन बैटरी इनसाइड पैनल के अंदर इंसर्ट करें। अब इनसाइड पैनल के साइड कवर को इंस्टॉल करें। हम देख सकते हैं कि हमारा यूरोपा इलेक्ट्रॉनिक लॉक पूरी तरह से दरवाजे में फिट हो गया है। अब बाहरी पैनल स्क्रीन पर स्पर्श करके लॉक की सही कार्यक्षमता को सुनिश्चित करें। दरवाजे के भीतर और बाहर दोनों हैंडल को चेक करके सही कार्यक्षमता को सुनिश्चित करें।